आह्वान हमारे देश के सामने, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आज आप देख रहे हैं भले मराठा आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, मुस्लिम आरक्षण हो या लिंगायत आरक्षण हो, ऐसे बहुत सारे आह्वान हमारे सामने हैं। देश में बारिश नहीं हुई है, महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि आज आप अगर देखे घूमे, कल उद्धव जी भी कई एरियाज में जाके आए, वहाँ आप देख रहे हैं कितनी हमारे जो किसान भाई और बहनें मेहनत करते हैं देश में, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हम सब इसमें इतने व्यस्त हैं, लेकिन आज की जो सरकार है वो, जिसको मैं हमेशा प्यार से आइस कहती हूँ, आइस मतलब ICE, इनकम टैक्स, CBI और ED, इतनी व्यस्त है वो लोगों की सेवा करना ही भूल गई, इसीलिए देश का हाल है। चंद्रबाबू नायडू को करप्शन चार्जेस में अरेस्ट किया गया, किस तरह से देखते हैं कार्रवाई को? ये तो दुख होता है ना कि देश पे सत्ता किसके लिए होती है? सत्ता इज अ टूल लोगों की सेवा करने के लिए, सिर्फ जो खिलाफ बोले उसके खिलाफ कुछ ED लगा दो, CBI लगा दो, उसको आइस कर दो, उसको अटक कर दो, उसको नोटिस भेजो, इसी में तो सरकार व्यस्त है। बहुत दुख की बात है कि और ही देश में ये जो पॉलिटिक्स जिस तरह से जा रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं। मैम, DMK के नेता बार बार सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, ए राजा ने उसे लेप्रोसी और एड्स तक की जो है बीमारी बता दिया है सनातन धर्म को, आप क्या कहेंगी? इंडिया अलायंस के एक बड़े पार्टनर के तौर पर DMK हैं और इस तरीके की बयानबाजी लगातार। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे जब ऐसे बयान आते हैं ना तो मुझे हमेशा अरुण जी की याद आती है। माननीय अरुण जेटली जी हमेशा मीडिया को कहते थे, ऐसी जब चीज़ें होती है ना, देश के सामने बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, वो छोड़ के अगर आप दिखाना छोड़ देंगे ना तो लोग बोलना छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे अरुण जेटली जी हमेशा मुझे याद आते हैं, क्योंकि आज आप देखिए ना, किसान का मामला ये महत्वपूर्ण है कि नहीं? आज पानी का मामला, आज पीने के लिए पानी की दिक्कत हो रही है भारत में, बहुत सारे महाराष्ट्र के बहुत सारे जिलों में, तो उसकी सोचेंगे तो किसकी, पहले लोगों की सेवा करें। मतलब मैम, ये मान के चलिए जिस तरह से बयानबाजी की गई सनातन धर्म के, क्या उनका विरोध करें जिस तरह देव के लिए? मेरे ख्याल से मैंने तो सारे सुने नहीं है, और हर चैनल में अगर आपका मुझे इन्होंने ये कहा उन्होंने कहा, सब तो हम फॉलो नहीं करते, तो हर चीज़ जब तक पूरी सुनी नहीं होती तो उस पर बोलना मेरे लिए ठीक नहीं लगता। थैंक यू सो मच।